शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने परवरदिगार आलीशान के नाम की तस्बीह करो, जिसने इंसान को बनाया फिर उसके आज़ा को दुरुस्त किया, और जिसने उसका अंदाजा ठहराया फिर उसको रास्ता बताया, और जिसने चारा उगाया फिर उसको सिया रंग का कूड़ा कर दिया। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हें पढ़ा देंगे फिर तुम फरामोश न करोगे, मगर जो अल्लाह चाहे वो खुली बात को भी जानता है और छुपी को भी, और हम तुमको आसान तरीके की तौफीक देंगे, सो जहां तक नसीहत के नाफे होने की उम्मीद हो नसीहत करते रहो, जो खौफ रखता है वो तो नसीहत हासिल करेगा और बेखौफ बदबख्त उससे कतराएगा। जो बड़ी तेज आग में दाखिल होगा फिर वहां न मरेगा और न जिएगा, बेशक वो मुराद को पहुंच गया जो पाक हुआ और अपने परवरदिगार का नाम लेता रहा और नमाज पढ़ता रहा। बात यह है कि तुम लोग तो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बहुत बेहतर और हमेशा बाकी रहने वाली है। यही बात पहले सहीफों में भी दर्ज है, यानी इब्राहिम और मूसा के सहीफों में।